नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं दो रंग का एक बेहद खूबसूरत डिजाइन लाई हूँ, जिसे आप बच्चों के स्वेटर में, लेडीज स्वेटर में या किसी भी प्रोजेक्ट में बना सकते हैं। ये सब में बहुत अच्छा लगेगा। इसे बनाने के लिए हमें 3 के मल्टीपल फंदे चाहिए और 2 फंदे एक्स्ट्रा एज के लिए। देखिए, ऐसे 3-3 फंदे हम गिने तो लास्ट में 2 फंदा आना चाहिए दोनों साइड में एज के लिए। तो मैंने इसमें 11 फंदे डाले हुए हैं। तो बॉर्डर बनाने के बाद ये डिजाइन का पहला लाइन है और सामने से तो पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे, फिर 3 फंदा सिलाई में 3 बार ऊन लपेटते हुए सीधा बुनेंगे। एक बार लपेटा, फिर एक बार और लपेटा, फिर एक बार और लपेटा, 2 सीधा बुना, सिलाई में 1, 2 और 3 बार लपेटा और सीधा बुन दिया। तो हमने 3 फंदे को सिलाई में 3 बार ऊन लपेटते हुए सीधा बुना, फिर 3 फंदे हम नॉर्मली सीधा बुनेंगे, 1, 2, 3। फिर अगले 3 फंदे हम सिलाई में 3 बार ऊन लपेटते हुए सीधा बुनेंगे, 1, 2, 3 सीधा बुन लिया, 1, 2, 3 सीधा बुन लिया, 1, 2, 3 और लास्ट फंदा एज स्टिच है, इसे हम सीधा बुन लेंगे। तो इस तरह हमारा ये पहला लाइन कंप्लीट होता है। अब हम रॉन्ग साइड से हैं और ये हमारा दूसरा लाइन है। तो पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे, अब 3 फंदों को खोलेंगे, 1, 2, 3। तो हमने लपेटे हुए 3 फंदों को खोल लिया। अब इसे बाईं सिलाई पे हम चढ़ा देंगे और फ्रंट साइड से यानी तीसरी की तरफ से हम पहली तरफ ऐसे सिलाई डालेंगे, तीसरे की तरफ से ऐसे गुजारते हुए पहले की तरफ हम निकालेंगे। ये फ्रंट साइड हो गया। अब हम उनको दूसरी तरफ करेंगे, 3 फंदों में एक बार सीधा बुनेंगे, फिर उनको अपनी ओर करेंगे और फिर इसी में एक बार और सीधा। तो हमने 3 फंदों से 3 फंदे बना लिए, 3 फंदों से 3 फंदे बना लिए। अब अगले 3 फंदे हम सीधा बुनेंगे, 1, 2, 3। नेक्स्ट 3 लपेटे हुए फंदे हम खोलेंगे और 3 को बाईं सिलाई में चढ़ा देंगे। अब इन 3 को एक साथ लेते हुए एक बार सीधा बुनेंगे, फिर उनको अपनी ओर करेंगे, ये दूसरा फंदा हो गया, और फिर इसी में एक बार और बुनेंगे सीधा, तो ये हो गया 3। तो 3 से हमने 3 फंदे बना लिए। अब उनको अपनी ओर करेंगे और लास्ट फंदा एज स्टिच है, इसे हम उल्टा बुनेंगे। तो इस तरह हमारा ये दूसरा लाइन कंप्लीट होता है। अब हम तीसरी लाइन पे है तो हम अपना दूसरा कलर अटैच करेंगे। पहले फंदा हम सीधा बुन लेंगे और ये जो 3 फंदे हम जिस पे हमने डिजाइन बनाया है, इन 3 को हम सीधा बुन लेंगे। तो हमने 4 फंदे सीधे बुन लिए, दूसरे रंग के ऊन से हमने 4 फंदे सीधे बुन लिए। अब देखिए, अब ये बीच के जो 3 फंदे हैं, इन 3 फंदों को हम 3 बार सिलाई में ऊन लपेटते हुए सीधा बुनेंगे, 1, 3 बार लपेटा और सीधा बुन लिया, 2, फिर 3 बार लपेटा और सीधा बुन लिया, 3। तो 3 फंदों को हमने सिलाई में 3 बार ऊन लपेटते हुए सीधा बुन लिया। अब लास्ट में 4 फंदे बचेंगे जिन्हें हम सीधा बुन लेंगे। तो इस तरह हमारा ये तीसरा लाइन कंप्लीट होता है। डिजाइन के ऊपर हमें नॉर्मली सीधा बुनना है और जो डिजाइन के बीच में 3 फंदे का गैप है, वहां पे हमें 3-3 बार ऊन लपेटते हुए सीधा बुनना है। अब हम चौथी लाइन पे हैं और पीछे से, तो 4 फंदे हम पहला फंदा हम उल्टा बुन लेंगे। अब उनको दूसरी ओर करेंगे और 3 फंदा सीधा, 1, 2,
तीन। फिर अब लपेटे हुए तीन फंदों को खोलेंगे और तीनों को बाएं सिलाई में ले लेंगे और तीनों को बाएं सिलाई में ले लेंगे और फिर फ्रंट रूप से एक बार सीधा बुनेंगे, फिर उनको अपनी ओर करेंगे और फिर इन्हीं तीनों में एक बार और सीधा। तो हमने तीन फंदों से तीन फंदे बना लिए। अब लास्ट में चार फंदे बचे हैं, तो तीन फंदे हम सीधा बुन लेंगे और लास्ट फंदा एज स्टिच है उसे हम उल्टा बुन लेंगे। तो ये हमारा चार लाइन कंप्लीट होता है। पांचवी लाइन से हम फिर अपना पहला लाइन दोहराएंगे, यानी अपने प्राइमरी कलर के ऊन से पहला फंदा सीधा, फिर तीन फंदा सिलाई में तीन बार ऊन लपेटते हुए सीधा, फिर तीन फंदा नॉर्मली सीधा जहाँ पे हमने डिजाइन बनाया है उसके ऊपर हम नॉर्मली सीधा बुनेंगे। और जहाँ पे हमने सीधा बुना था पिछले लाइन में, देखिए ये तीन उल्टे फंदे दिख रहे हैं, तो यहाँ पे हमें तीन बार ऊन सिलाई में ऊन लपेटते हुए सीधा बुनना है। एक, दो, तीन, और लास्ट फंदा इसे हम नॉर्मली सीधा बुनेंगे। और रॉन्ग साइड से पहला फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर उन दूसरी ओर करेंगे, लपेटे हुए फंदों को खोलेंगे और तीनों को एक साथ लेते हुए फ्रंट लूप से एक बार सीधा बुनेंगे, फिर ऊन सिलाई में फिर ऊन को अपनी तरफ करेंगे और फिर इन्हीं तीनों में एक बार और सीधा। तो तीन से तीन फंदे बना दिए। अब ये तीन फंदे हैं जिसे हम नॉर्मली सीधा बुन लेंगे। फिर तीन लपेटे हुए फंदे खोलेंगे और इन तीनों को एक साथ लेते हुए पहले सीधा बुनेंगे, फिर ऊन को अपनी तरफ करेंगे, फिर एक बार और सीधा। तो तीन से तीन फंदे बन जाएंगे, ऊन अपनी ओर और लास्ट फंदा एज स्टिच है इसे हम उल्टा बुन लेंगे। तो देखिए इस तरह हमारा ये डिज़ाइन बनता चला जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, डिज़ाइन बन के तैयार है। सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से देखिए ऐसा, पीछे से भी देखिए कितना खूबसूरत डिजाइन है। और डिजाइन बहुत ही जल्दी बनके तैयार होता है, ये खुलने वाला डिजाइन है तो इसकी जल्दी जल्दी बनके तैयार होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, डिजाइन आपके सामने है। आशा है आपको पसंद आया होगा। तो यदि आपको डिजाइन अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, डिजाइन को अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।